इंडियन रोड्स पर एक चीज जो कार में आजकल बहुत जरूरी हो चुकी है वो है डैश कैम। जैसे जैसे इंश्योरेंस वगैरह महंगे होते जा रहे हैं और साथ में उनके कंप्लायंस के लिए चीजें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, हो सकता है कुछ साल बाद डैश कैम मैंडेटरी भी कर दिया जाए। और ये जरूरी भी है क्योंकि आपको मल्टीपल इंसिडेंट सड़क पर देखने को मिल जाएंगे जहां लोग गलत तरीके से गाड़ी चलाते नजर आते हैं, और अगर सबूत ना हो तो कोई भी इंसान अपनी गलती नहीं मानता है और सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। साथ ही सड़क पर हो रहे मल्टीपल स्कैम से बचने का तरीका भी एक डैश कैम ही है। आज एक ऐसे वीडियो सामने आया जहां XUV700 ओनर ने अपने कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हुई फुटेज शेयर करी, जिसमें आप देख सकते हैं कि अपनी लेन में चल रहे XUV700 पर एक साइड में चल रही स्विफ्ट आकर लड़ती है हाईवे पर। मेन रीज़न यहाँ ओनर ने बताया कि स्विफ्ट में फ्रंट सीट पर छोटा बच्चा बैठा था, जिस वजह से ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट हो गया जो खेल रहा था और खेल खेल में एक्सीडेंट हो गया। फुटेज में आप देख सकते हैं आगे क्या हुआ। ओनर ने बताया कि यहाँ स्विफ्ट उनके डोर पर और फ्रंट बम्पर पर आकर लड़ी, जिस वजह से डोर जैम हो गया और वो बाहर नहीं निकल पाए और स्विफ्ट ओनर ने वहाँ से गाड़ी भगा दी थी। बाद में XUV ओनर ने उसे चेस करते हुए 5 मिनट बाद XUV700 स्विफ्ट के आगे लगाई, तब जाकर वो रुका और बोला कि ये चीज़ इंश्योरेंस में कवर हो जाएगी तो ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, और बोला पुलिस को बुलाना है तो बुला लिया जाए। XUV700 ओनर ने पुलिस के साथ अपने कुछ फ्रेंड्स और फैमिली को भी बुला लिया जो पास में ही रहते थे। उसके बाद पुलिस को फुटेज दिखाई और 15 मिनट में ही स्विफ्ट ओनर ने नो क्लेम बोनस का अमाउंट यानी 6500 रुपीज़ दिए, जो कि 10% था इंश्योरेंस के अमाउंट का। स्विफ्ट ओनर यहाँ खुद एक इंश्योरेंस पर्सन था पर उसके खुद के पास भी इंश्योरेंस नहीं था, जिस वजह से पुलिस को उल्टा उसे फाइन भी देना पड़ा। XUV700 ओनर ने बताया कि उन्होंने अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर में दी और इंश्योरर ने कुछ महंगी और कॉस्टली डैमेज को पे करने से पहले मना कर दिया। फुटेज शेयर करने के बावजूद भी ऐसा हुआ और वो लास्ट 3 दिन से महिंद्रा और इंश्योरेंस कंपनी को चेस कर रहे थे डैमेजेस सही करवाने के लिए, और इंश्योरेंस उन्हें कार डीलरशिप नहीं दिया था गाड़ी बेचते वक्त, पर मल्टीपल मेल्स के बाद शायद अब उनकी गाड़ी पर काम होना शुरू हो गया। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि गलती सिर्फ ड्राइवर की नहीं थी, यहाँ उसके बगल में चल रही XUV 3XO ने अचानक से लेन चेंज करी, जिस वजह से स्विफ्ट ड्राइवर जिसका पूरा ध्यान सड़क पर नहीं था उसने अचानक से पूरी गाड़ी मोड़ दी और XUV700 का नुकसान हो गया। तो इस वीडियो से मल्टीपल चीज़ें आप सीख सकते हैं, किसी और की गलती से अगर मेजर डैमेजेस होती हैं तो उससे पैसे लेना ज़रूरी है, चाहे पुलिस को बुलाना पड़े। दूसरा, गाड़ी में डैश कैम होना ज़रूरी है, तभी आपकी बात पर भरोसा किया जाएगा और आपके नुकसान का भुगतान। तीसरा, इंश्योरेंस कहीं से भी लिया जाए मैटर नहीं करता, पर आपके पास एक एक्स अकाउंट होना चाहिए जहां आप ट्वीट कर सके, क्योंकि सभी लोग तभी एक्शन में आते हैं जब कोई ट्वीट होता है। बाकी आप क्या सोचना है, यहां गलती किसके रही कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलता हूं मैं, मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।